हाय गाइस, मैं हूँ नीतू और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर मसाला पनीर बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि मैं मसाला पनीर किस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने मसाला पनीर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज ले रखे हैं। उनको मैंने अच्छे से काट लिया है और अब मैं उसे मैंने यहाँ पर तेल ले लिया और लहसुन डाल दिया है, अदरक एंड मिर्च भी डाल दिए। इसे मैं हल्का सा भून लूँगी। इसे आपको सभी प्याज टमाटर उन सभी को भून करके आपको एक पेस्ट तैयार करना है, जिसका यूज़ हम अपनी पनीर की सब्ज़ी बनाने में करेंगे। इससे जो हमारी पनीर की सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी एंड लाजवाब लगती है। दोस्तों, आप भी एक बार ट्राई करना एंड मुझे बताना कि आपको आपकी सब्ज़ी किस तरह से बनी और अच्छी लगी या नहीं लगी आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है और मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर अपने टमाटर को पका लूँगी। थोड़ी देर मैं इसे बंद कर दूँगी, कवर करके मैं अच्छे से तरीके से पका लूँगी, इस ताकि हमारा जो टमाटर है वो पक जाए और हम इसका पेस्ट तैयार कर लें। और अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पनीर अपने क्यूब्स में कट कर लिए हैं और अब मैं उसे अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर अपने पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेना, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा अपनी सब्ज़ी के लिए ज़ीरा, हरी इलायची और यहाँ पर मैंने दालचीनी का यूज़ किया हुआ है और जो मैंने पेस्ट लिया था उसकी प्यूरी बना ली है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी प्यूरी को कढ़ाई में डाल करके और मैंने उसे 2 से 3 मिनट भून लिया था और अब मैं यहाँ पर अपनी मसाला इंक्लूड करूँगी। मैंने यहाँ पर हल्दी और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और लाल मिर्च मैंने यूज़ की है, कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे जो है सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इन सभी को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेना है। और ये देखिए, मेरा मसाला एकदम परफेक्टली भून गया था। तो अब मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, नमक आप अपने स्वादानुसार ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों, अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे आपको बहुत ही तारीफ़ मिलेगी। और ये देखिए, मैंने घर की मलाई जो रखी दूध से निकाली थी, मैंने वो यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर दिया है। इससे दोस्तों इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी का यूज़ किया हुआ है, इससे इसका फ्लेवर जो है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। दोस्तों, इस तरह से आपको मलाई एंड कस्तूरी मेथी को मिला देना। ये देखिए, इसका कलर देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर अपनी ग्रेवी के लिए यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जिस अकॉर्डिंग ग्रेवी चाहिए हो आप उसके अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से पानी में एक उबाल आने तक हम इसे कवर करके रख देंगे, ताकि हमारी पानी जो है वो अच्छे से बॉयल होके एकदम ग्रेवी का फॉर्म ले ले। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए किस तरह से उबल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अभी से ही कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्ज़ी। और मैंने जो यहाँ पर पनीर फ्राई किए हुए थे, मैंने उस पनीर को यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अब मैं मिक्स करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला का यूज़ करूँगी, क्योंकि गरम मसाला जो है वो इसमें एक अच्छी खुशबू देगा और उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही दोगुना बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, और अब मैं यहाँ पर हरी धनिया डाल करके हमारी सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी, चावल, आपको जिसके साथ अच्छी लगती हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।